हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं विकास आपको स्वागत करता हूँ नो कंट्री सिविल इंजीनियर चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या ना, हम लोग जो सर्कुलर बार यूज़ करते हैं, मतलब हम लोग जो बार यूज करते हैं, रेनफोर्समेंट यूज़ करते हैं, वो सर्कुलर होता है, ठीक है दोस्तों। तो वो सर्कुलर क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है, हम लोग क्यों रेक्टेंगुलर, क्यों हम लोग रेनफोर्समेंट क्यों नहीं यूज करते हैं, कि स्क्वायर हो गया हमारा क्यों नहीं यूज करते हैं, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए, ठीक है। वीडियो चालू करने से पहले आप लोगों को बताता हूँ कि आप हमारा चैनल में नया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, खास करके हमारा सिविल इंजीनियर भाई लोग के पास आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, वाई यूज सर्कुलर शेप बार इन सिविल कंस्ट्रक्शन, हम लोग क्यों यूज करते हैं सर्कुलर बार को, हम लोग क्यों यूज करते हैं सिविल कंस्ट्रक्शन में, तो उसका रीजन क्या है, ठीक है दोस्तों। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, आप लोग उसी को भी थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। पहला बात क्या है ना, हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली, मतलब हमारा जो सर्कुलर बार होते हैं वो क्या करता है ना, इक्वली लोड डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं, मतलब लेट हम लोग वहाँ पर लोड आया, ठीक है, मिडिल में उसका लोड आएगा तो वो क्या करेगा, इजीली हर कोना में, मतलब आप वहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, हर जगह में क्या करते हैं ना, सेंटर से जो भी लोड जा रहा है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया क्या ना, हमारा इक्वली लोड डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर का बार हम लोग लिया है। तो वहाँ पर जब भी हमारा लोड आएगा एक मिडिल में, तो वहाँ से जितना लोड आएगा तो उसका कर्नर में तो ज़्यादा लोड आएगा ना, ठीक है, ये कर्नर में हमारा ज़्यादा लोड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब अनइक्वल हो गया, ये अनइक्वल हो गया, ठीक है दोस्तों। मतलब ये लोड जो डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है उसका क्या हो रहा है हमारा ना, सही से नहीं जा रहा है, मतलब हर जगह में सही तरफ से नहीं जा रहा है, मतलब यहाँ से ज़्यादा जा, यहाँ से ज़्यादा जा रहा है, यहाँ से कम जा रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसको अवॉइड करते हैं सिविल साइट कंस्ट्रक्शन में, इसको अवॉइड करके इसलिए हम लोग जो बार यूज करते हैं उसको हम लोग सर्कुलर बनाते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या आ गया ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नो चेंज सो ही इज द स्टेबल, मतलब हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो क्या होता है ना, चेंज नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, कलम को जो हमारा बार को सर्कुलर बनाते हैं, ठीक है। तो सपोज लेट हम लोग एक सर्कुलर बार लिया है, तो उसका मिडिल से वहाँ तक कितना, ये मतलब ये मान लीजिए ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया हमारा, उसको मैंने इसी डायरेक्शन में मैंने मूव किया, ठीक है, इसी बार को ऐसे रोल किया, ठीक है। तो रोल करने के बाद ये हो गया, मतलब ये हो गया हमारा ए, ये बी, ये डी, ये हो गया हमारा सी, ठीक है। तो ये रोलिंग होने के बाद क्या हो गया ना, ये यहाँ पे जो पोजीशन हुआ ये हो गया हमारा डी, और ये हो गया हमारा ए, ये सी और बी। आप लोग वहाँ पे उसको मेजर कीजिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, यहाँ से यहाँ तक भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम ही होगा, ठीक है। ये नो चेंज, मतलब वो चेंज नहीं होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे कि रेक्टेंगुलर में, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर में क्या होता है, रेक्टेंगुलर हो गया कि स्क्वायर हो गया, आप लोग जो भी ले सकते हैं, मतलब वहाँ पे आप लोग एग्जांपल के लिए मैंने वहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लिया है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर में यहाँ पे हमारा हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा सी जी, ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा सी जी। तो उसको हम लोग जब ऐसे ही डायरेक्शन में, हम लोग आप लोग जिस भी डायरेक्शन ऐसे डायरेक्शन करो कि ऐसे भी डायरेक्शन में करो, जिस भी डायरेक्शन में आप लोग घुमा सकते हो उसको, घुमाने के बाद ये क्या हो जाएगा ना, उसका जो सी जी आएगा आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये जब आ गया ऐसे तरफ का आ गया, तो यहाँ से वहाँ तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हुआ, यहाँ से कम था यहाँ पे ज़्यादा हो गया, इसलिए ये क्या हो गया ना, चेंज हो गया उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो गया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, जो बार होता है हमारा
इसलिए हम लोग सर्कुलर ही रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हमारा आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया नो चेंज, मतलब हमारा जो बार होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता है। कैसे, पहले हम लोग जानेंगे भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है ना। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का घर में एक पंखा घूर रहा है, ठीक है, आप लोग का घर में एक पंखा, ऐसे एक पंखा है ये घूर रहा है, ठीक है, एसी डायरेक्शन में वो घूर रहा है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे जाके जब स्विच को ऑफ करोगे, ठीक है, वो तो सडनली बंद नहीं होगा, वो थोड़ा घूमेगा 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 उसके बाद वो बंद होगा, ठीक है। मतलब उसको ऑफ करने का टाइम में जो सडनली वो नहीं रहता है, वो थोड़ा घूमता है, तो जो हम लोग क्या करते हैं जब रेजिस्ट करेगा, मतलब वो स्लो होने के लिए जितना रेजिस्ट किया है, मतलब जितना अपोज किया है, मतलब वो घूरता है, तो क्या हो जाएगा हमारा ना उसका, मतलब वहाँ पे जब, मतलब वो बंद होने के लिए जितना रेजिस्ट करेगा, मतलब जितना अपोज करेगा वह जितना रेजिस्ट करेगा उसको हम लोग क्या कर बोलते हैं, जितना रेजिस्ट किया उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो हमारा जो रेक्टेंगुलर शेप, मतलब रेक्टेंगुलर बार हो गया कि स्क्वायर बार हो गया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर बार चेंज होता है, बट हमारा सर्कुलर बार में क्या होता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद हमारा आ गया क्या ना, इजीली एनी शेप एंड बेंड द सर्कुलर बार, द सर्कुलर बार, तो ये क्या हो गया हमारा ना, हम लोग इजीली, आप लोग कभी भी इजीली आप लोग वहाँ पे रॉड को ऐसे करके बेंड कर सकते हैं, बट जो सर्कुलर बार होता है, और जब स्क्वायर बार होगा तो आप लोग देख सकते, ये हो गया हमारा स्क्वायर बार हो गया, तो इसको आप जब ऐसे बेंड करोगे ना तो यहाँ पे वो इजीली बेंड नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, तो इजीली नहीं बेंड हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट में हम लोग जो सरिया यूज करते हैं, बराड यूज करते हैं, वो इसीलिए ही सर्कुलर होता है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सिविल इंजीनियर लोग के पास शेयर करना, ठीक है। तो चलता हूँ, और एक नया वीडियो में आप लोग के साथ आऊँगा, ठीक है दोस्तों, चलता हूँ, जय हिंद।